भगवान से मिलने के लिए इस बुजुर्ग ने किया ऐसा काम कि जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक बुजुर्ग आदमी ईश्वर तक पहुंचने के लिए खुद को जिंदा दफनाने जा रहा था कि आखिरकार पुलिस ने अंत मौके पर पहुंचकर उसके जीवन को बचा लिया। दोस्तों, तमाम तरह की बड़ी खबरें सामने आती हैं। इस खबर को पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के एक बुजुर्ग आदमी ने भगवान तक पहुँचने के लिए खुद को जिंदा दफनाने की कवायद कर दी, किन्तु पुलिस ने मौके पर पहुँच कर उसका जीवन बचा लिया। इस वृद्ध ने खेत में कब्र बनाई जिसमें वो खुद को समाधि देना चाहता था। उसका मानना था कि वो अगर समाधि लेगा तो ईश्वर से मिलने पहुंच जाएगा। ये मसला गुंटूर जिले के गन्नावरम गांव का है, जहां थाती रेड्डी लाची रेड्डी ने अपने खेत में एक समाधि बनाई। वो समाधि लेना ही चाहता था कि अंत मौके पर पुलिस पहुंच गई और ऐसा करने से रोक दिया। पुलिस की माने तो 70 साल के रेड्डी ने अपनी समाधि के लिए 10 फीट गहरा गड्ढा खोद लिया था और वो खुदकुशी करना चाहता था। स्थानीय लोगों ने उसकी खुदकुशी की वजह उसके परिवार को होने वाली समस्याएं बताई। हालांकि उन्होंने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर खुद को दफनाने की इजाजत मांगी, खुद को मारने का निर्णय किया, लेकिन पुलिस ने इसकी जानकारी मिलते ही उसे बचा लिया, उसे रोक लिया। पुलिस का बताना ये था कि रेड्डी गहन रूप से अध्यात्म से जुड़ा हुआ है और कुछ ही दिन पहले उसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी। उसका पुत्र और पोता अच्छे से जीवन गुजार रहे हैं। उनके पास जीवन में कुछ करने के लिए नहीं रह गया था, इसी वजह से वो ईश्वर तक पहुंचना चाहते थे। मगर ईश्वर तक पहुंचने का ये क्या रास्ता है, इस बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताएं। धन्यवाद।